ये महानूर, महानूर से मैंने कहा था कि मैं आपको वहीं से खिलाऊंगा जहाँ का पसंद है। अभी मैंने दया सॉरी, ये रखिए अन्न पानी, कोई नहीं भरे। सुबह के 9 बज गए हैं और आज हम अपने पौधों को सुबह सुबह पानी दे रहे हैं क्योंकि आज हमने कहीं जाना है और एक दो दिन जो है वो हम बाहर ही रहेंगे घर से, इसीलिए जो है वो हमें दिल में ये ना रहे कि हमारे पौधों को पानी कौन लगाएगा या हमारे पौधे कहीं प्यासे ना हो। तो बस एक दिल में है कि पौधों को पानी लगा के जाएंगे और आते ही आपको पता है कि मैं पौधों का ही हाल चाल पूछता होता हूँ। भी खुश हो रहे थे इसीलिए दिन में दो टाइम पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। और पानी नीचे जा रहा था इसलिए मिट्टी डाल रहे हैं हम। माशाल्लाह सबसे अच्छा फूल और सबसे बड़ा फूल जो है वो ये वाला है, इसलिए हर बार यहीं आके मैं रुकता हूँ और यहीं से शुरू करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, शे मेहरजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज फिर अपनी सब्जी में हम मिर्चों की हार्वेस्टिंग करने लगे हैं। मिर्चें तोड़नी है हमने इसलिए टोकरी लेके आ गए हैं और इस साइड पर हमारा तंदूर जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और अभी जो है मज़ीद हमें टाइम चाहिए क्योंकि मिट्टी अभी तक नहीं मिल रही। काफ़ी ज़्यादा कोशिश में है कि हमें मिट्टी मिल जाए और जल्दी से हम ये काम ख़त्म कर लें और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना मड हाउस बनाने में, यहाँ पर कमरा और बाकी ये किचन मुकम्मल करने में, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। बस इंतज़ार अभी मिट्टी का है, जैसे ये ज़मीनें खाली होंगी यहीं से कहीं से हम मिट्टी लेंगे और उसके बाद अपना काम शुरू कर देंगे। और मिर्चें देखते हैं, 3-4 दिन पहले हमने मिर्चें तोड़ी थी, माशाल्लाह काफ़ी हो गई थी, लेकिन अब फिर बताया जा रहा है कि मिर्चें और ये बेल किसने इस साइड पे कर, पौधे पे काफ़ी ज़्यादा मिर्चें हैं, यहाँ से शुरू करते हैं जिनमें से कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी भी हैं। एक छोटा सा बच्चा है और इसके पास बंदरी का छोटा सा बच्चा है, ये डांस नहीं करती, नचदी नहीं है, पढ़ता नहीं होता, मदरसे जाता होना, पढ़िया कर, मार दी किन्ने दे लिया बच्चा, 10,000 दिन ना छोटा बच्चा, महंगा है, ओ तेरी गुस्सा कर रही है, खेड़ दिए, चले मैं आ रहा हूँ लेके। मिर्ची हमने तोड़ ली और छोटे बच्चे की बातों में हम हो गए थे, भागने वाला बच्चा है, चल दे दी माँ जी, ढेर सारी मिर्चें निकल आई हैं आज। मिर्चें हमारे घर का लहसुन और आलू ये हम पैक कर रहे हैं और आज बहुत दिनों बाद मैं और महानूर फिर से जो है बाइक पे जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे हमने बाइक पे सफ़र नहीं किया था, आज मौसम कुछ अच्छा है तो महानूर ने कहा कि हम फिर से राइड करते हैं और लंबी राइड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स पढ़ के मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ, शुक्रिया। और अभी जो है हम तैयार हो गए हैं, मैं तो फिर इसी रफारत में ही जाऊंगा, निकल रहे हैं हम मुल्तान की तरफ, वो भी अपनी बाइक पर, बाइक जो है वो मैंने बाहर खड़ी कर दी है, महानूर तैयारी कर रही थी, बाइक मैंने बाहर निकाल दी। कल शाम के वक्त बहुत तेज़ आंधी आने लगी तो जिसकी वजह से हमारे घर के सामने लगी हुई जो थ्रेशर है उसका काम रुक गया था, क्योंकि जब आंधी आ रही थी तो थ्रेशर अगर वो काम करते रहते तो ये सारी तूड़ी उड़ के कहीं और चली जानी। अब फिर जो है उन्होंने थ्रेशर लगा लिया क्योंकि मौसम अब ठीक हो गया माशाल्लाह और मुंह अब भी हमारे घर की तरफ ही है। साथ भी हमारे साथ जा रहे हैं, कहाँ तक, मियाँ चनो, साथ को जो है ना हमने मियाँ चनो उतार देना है और उसके बाद फिर हम जाएंगे। हुज़ैफ़ा मेरे ख्याल में टीबी पे है, हुज़ैफ़ा से बच के निकलना पड़ेगा हमें, अगर उसे पता चल गया कि हम मुलान जा रहे हैं तो भाई खैर नहीं हमारी, उसने लेटियाँ मारनी है सीधी सीधी। फाइनली हम राइड के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत दिनों बाद फिर से सेफ्टी टूल्स पहन लिए हैं मैंने और अभी हम निकल रहे हैं अपने सफर की तरफ। महानूर और साद हो गए हैं तैयार, अस्सलाम वालेकुम दोबारा से कल वाला बैग जो है वो मैंने पीछे बांध दिया कि अच्छा नहीं लगता कि बैग हाथ में हो। हमने हमेशा ना अच्छे मौसम में सफर किया है, हमेशा मौसम को एंजॉय किया है, आज गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं और इसको भी एंजॉय करते हैं। और जब हमने तैयारी स्टार्ट की तो मौसम बहुत ही प्यारा था लेकिन अब धूप जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और गर्मी शुरू हो गई है, तड़के वाली, चलें चलें। साथ को हमने घर छोड़ दिया है और आज हम घर नहीं जा रहे क्योंकि देर हो रही है, हम सीधा जाएंगे। सभी को सलाम कह दीजिएगा, ऐसे दरवाजा नॉक करो देखते हैं कौन खोलने आते हैं। खोलो
कौन है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हाथ में तस्बीह लिए हुए अब्दुल हादी बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम के 4 बज गए हैं और बाइक हमारी जो है वो पेंचर हो गई है और इसको पेंचर लगवा रहे हैं। यहाँ बैठे हैं हम कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी जगह। चाय मैं नहीं पीऊँगा, ठंडा पीऊँगा। उतर लाल इसे सही हैं और धूप तो नहीं ज़्यादा पड़ती, वो फुल गर्म। छोटी सी चारपाई है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। टायर इतना फुल गर्म हो गया। एक ट्रक अड्डा जहाँ पर हम रुके हैं, और जगह कौन सी है? आने वाल चाय कितने दी? 40 रुपए की चाय पियेंगे? नहीं। कभी पेंचर नहीं हुआ, लेकिन आज गर्मी की वजह से पेंचर हो गया, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा गर्म है। और एक्सपीरियंस मिल गया कि ज़्यादा गर्मी में कभी सफ़र नहीं करना, खुश बाइक का। आज पहली बार चाय छोड़कर मैं जूस पी रहा हूँ। गर्म हो गए अच्छे खासे। देखिए बितरे तो पार्ट की है भैया, सही कम किया। इस कील ने सत्यानाश किया है हमारी बाइक का, और हालत कुछ ऐसी हो गई है। फुल पट की ट्यूब, इन पंचर तो नहीं लगता है ना? लाल इन लाल हो गया, नहीं लगता ट्यूब की तो लव सी। तू जाना है, मैं आप जाऊँ। यहाँ से हम ले रहे हैं रिक्शा, और रिक्शे पर जाएंगे हम आगे शॉप पे। आप यहीं बैठे हुए आ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता, लेकिन इन हालात को एंजॉय करना चाहिए बजाय टेंशन लेने की। हमारी बाइक की ट्यूब यहाँ से नहीं मिली, शहर ही जाना पड़ेगा। शहर है खाने वाल जो कि करीब पड़ता है। चलें जी, हमने 4 से 5 शॉप से पता किया है, हमें ट्यूब नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर भाई कह रहे हैं जी कि मिल जाएगी, देखते हैं। ये वाली है DX की है ना? कितने पैसे? चलो शुक्र है मिल गई है, बस इतना काफ़ी है। लेस नहीं होगा इसमें से? लेस करके आपको ना करो मेरे भाई। सिर्फ इधर ट्यूब हमें मिल गई है, और अब जा रहे हैं वापस हम। महनूर भी परेशान हो रही होगी, सही घूमे फिरे हैं आज। तक तक रास्ता थक गई अखियाँ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। पुत्र जल्दी पाजल, अब तू खोल रखे यहाँ बढ़िया, पहले खुला पिया वे। या उस्ताद कमाल कर दिया, कितना ले सो? 3.5। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर वापस नहीं आए, मुझे इतनी भी परेशानी हो रही, और अब वो उस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करनी चाहिए, बच्चा छोटा है। वही मैं बता रही हूँ। पूरा 1.5 घंटा यहाँ पर रुकने के बाद हमारा मोटरसाइकिल जो है वो हो गया तैयार, माशाल्लाह। चले नहीं नहीं, अब मौसम माशाल्लाह अच्छा बन गया है, गर्मी खत्म हो गई है। कितने पैसे बेटा? 80 रुपये इस बच्चे को। ये तो तेरे उस्ताद देते, तेरे 80 रुपये उस्ताद देते, 100 रुपया बच्चे का। उस्ताद के मतलब मैं लेता 80 रुपये। ये 80 उस्ताद देन, तो आप दे भी ले लेते, मैं मेहनत क्या नहीं की थी। हैं रख ले दसी ना। चले ओ अब ये फिर हर चीज़ कसनी पड़ेगी मुझे, मैंने कहते रहने देते हैं। ये लो बेटा, ओ पानी पी ला यार, मुस्कुराहट चेक करें। यहाँ तैयारी चल रही है, फिर से तैयार हो रहे हैं एक नए सफर के लिए, क्योंकि नए ही है, काफी देर यहाँ पे स्टे किया, ऐसे लग रहा था जैसे घर यही है हमारा। रेडी हो गए आज के 5:30 और हम निकल पड़े हैं अपने सफर पे। मौसम माशाल्लाह बहुत ही ठंडा हो गया है, और अच्छा लग रहा है अब सफर करना। राइड करते करते शाम के 6 बज गए हैं, और हम पहुंच आए हैं तकरीबन मुल्तान। और तकरीबन मुल्तान का मतलब है कि हम जहां हमेशा स्टे करते हैं वहीं पर हम थोड़ा सा रुके हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा जो है वो खाना भी खाते हैं, क्योंकि हमने दिल को खाना नहीं खाया था। हाँ। ऐसे ही है महानूर। हाँ। महानूर से मैंने कहा था कि मैं आपको वहीं से खिलाऊँगा जहाँ का पसंद है हमें, और मेरे व्यूवर्स को भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये दोबारा जगह आपको दिखाऊँगा, क्योंकि जितनी बार देखी जाए प्योर माहौल और देसी माहौल है, उतना ही जो है वो कम लगता है। तो कुछ खाने का भी ऑर्डर करते हैं, और जगह भी थोड़ी सी देखते हैं। मेरे पुराने व्यूवर्स को पता चल गया होगा कि हम आए हैं बम्बो हट, और खसूसन इस जगह से पता चल गया होगा।
क्योंकि मैंने इस पर एक पूरा व्लॉग बनाया था और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। वैसे ये जगह हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा आए हैं। और अभी तो शाम हो चुकी है तकरीबन, क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं तो अंधेरा है और लाइट्स ऑन की जा सकती हैं मेरे ख्याल में। यहाँ से ऐसे लाइट्स ऑन करें जैसे अपना घर हो। बैग हमारा अच्छा, लाइट्स किधर है? ये वाली? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। वाह भी वाह, सारी बतियाँ पूरे बम्बू काट नाल चली है। थैंक यू सर। और वो मेन्यू वगैरह उधर वो सामने मंजे पे रख दे, हम आ रहे हैं वहीं पे, क्योंकि बाहर ही खाएंगे। मौसम बाहर का प्यार है, अंदर जो है वो ठंडा कमरा तो है ही। यहाँ पर बैठ के बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम अगेन बम्बू हट इसलिए आए हैं, हमारा भी माइंड था मड हाउस बनाने का, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से हम चुराएंगे और बाकी अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे ट्रेडिशनल, क्योंकि ये जो है वो प्योर ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे एक तो इसका याद नहीं आ रहा था कि इसकी छत कैसी है, ये किस चीज़ से इसकी छत बनाई गई है, तो वो देखेंगे हम। और उसके बाद बाकी सेटअप कुछ देखते हैं कि कितना कुछ है यहाँ पर, और फिर जो है चाय वाय पियेंगे और फिर निकलेंगे हम अपने सफर की तरफ। हम भाई खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, खिड़की बंद कर देते हैं क्योंकि मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है बाहर। ये लाइट बड़ी प्यारी है ना, इससे ज्यादा अच्छी मुझे वो वाली लाइट अच्छी लगी। लेकिन हम लैंप ही लेंगे, हाँ। लेकिन ये इलेक्ट्रिक लैंप है, हम तेल वाले लेंगे जो होते थे, हाँ, जो हमारी भी हुआ करती थी पहले। और ये काने की छत है, साथ में है लकड़ी के बाले हम इसे कहेंगे, और ये बड़ा जो है इसे क्या हम कहते हैं, गार्डर की जगह भी लकड़ी का डाला गया है। तो हमारे पास भी पड़े हैं, ऐसे करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही कुछ। बस एक घड़ा सूखा भी मैंने था इस बार, ये रखे हैं पानी, कोई नहीं भर यार मेरे जावण तो बाहर क्या नहीं भर यार। और हम बैठेंगे कहाँ, बाहर बैठते हैं मंजों पे। ये वाली जगह भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, ये साथ में स्विमिंग पूल है, ये हमारे लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए। सोने ब्रेक लाते चाह पिला दे, मनूर मुझे कह पत्ती तू मंगा दे चाह मैं पकानी, मैं पत्ती मंगाता हूँ आप चाय। और ये पहले नहीं थी मेरे ख्याल में, अब लिखे है ना, इस साइड पे हम पहले नहीं आए। चलें एक गरम चाय की प्याली हो और इसको पिलाने वाली हो। अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, मानूर है, मैं नहीं हूँ मानूर है, को बीबी लग रही है ये तो। लेकिन ग्लासेस वाली वो बैठी है। हाँ हाँ जी, यहाँ पे हॉर्सेस हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लुडियाँ चुड़ियाँ डाली जा रही हैं। और यहाँ बैठते हैं हम, मंगाते हैं क्या, बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे बैठना उठना बैठना, मंजे भी अच्छे वाले हैं। हाँ ये खास किस्म का वाहन है मेरे ख्याल में। हल्का फुल्का ऑर्डर हमने दे दिया और उन्होंने हमसे हाफ घंटे का टाइम मांग लिया कि हाफ घंटे बाद जो है वो आपका ऑर्डर आ जाएगा, तो मज़ीद हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर। और वैसे जितना प्यारा मौसम है कोई इशू नहीं, हम रुकेंगे। और वैसे भी थोड़ी देर पहले अम्मा सर की कॉल आई तो हमने उनसे कह दिया था कि हम जो है वो खाना खा के आएंगे, अब जब कह दिया तो भाई खा के ही जाते हैं। महानूर भी कह रही थी हल्का फुल्का कर ही लेते हैं, हाँ इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। 6:20 और इंतज़ार करते करते थोड़ा थक गए, इसलिए मैंने सोचा कि चल फिर रहे इधर उधर। महानूर आप भी हैं, देखते हैं मस्जिद कुछ, वैसे और तो कुछ भी नहीं है, मेरा जो फेवरेट है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। और मुल्तान के किले का मैंने पहले जब बम्बू हट को एक्सप्लोर किया था तो मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो इसकी लोकेशन का पूछ रहे थे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये हम जब लाहौर से मुल्तान की तरफ जाते हैं नेशनल हाईवे पे, तो DHA इनका जो नया फेज़ यहाँ पे बन रहा है, अब ये नहीं मुझे पता कि कौन सा फेज़ है, ये DHA के मेन गेट के बिल्कुल जो है वो साथ ही है बम्बू हट, और मुल्तान के जो एंट्री गेट है उसे तकरीबन ये 1-2 किलोमीटर पहले आता है। इंतज़ार कर रहे हैं भाई अभी हम खाने का, मनूर वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही है और मैं यहाँ पर। ये पंगोड़े जो हैं ये बड़े खूबसूरत माशाल्लाह उन्होंने बनाए हुए हैं, और सामने जो है एक एंट्रेंस गेट है मेरे ख्याल में किसी टाउन का, जिसमें जो है वो हमें मुल्तान का कल्चर नज़र आ रहा है। कल्चर तो मैं नहीं कहूँगा, मुल्तान का आर्किटेक्चर मैं कहूँगा, फन तामीर जो है वो हमें नज़र आ रहा है इन गेट्स में। माशाल्लाह वेजिटेबल राइस आ चुके हैं, और वेजिटेबल राइस के बाद मैंने कहा जी फौरन हमें एक चाय मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कहा गया है
एक गरम चाय की प्याली हो, आगे आप बताएं। और मैं ही पिलाने वाली हूँ। हमारी चाय आ चुकी है जिसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, और चाय का तो मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं मुल्तान की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है और मज़े का खाना था। और सबसे मेन चीज़ जो है इस महंगाई के दौर में, ये जो पूरी डिश हमें मिली है वेजिटेबल राइस की, ये 380 रुपये की थी। और हैरानगी वाली बात है कि हम दो बंदों ने टका के खाया है। और अभी जो है आज के व्लॉग यहीं पर एंड कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो बम्बू हट को हम करते हैं अलविदा और निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। मौसम खूबसूरत से खूबसूरत तर हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह हमारी बाइक की अच्छी खासी हिफाजत की गई है। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे मुल्तान में उतरा है कमाल का मौसम। बारिश बहुत तेज हो रही है और हम मॉल ऑफ मुल्तान पहुँच आए हैं।